हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? तो सोनी फिजिक्स क्लासेस मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नाम अभी सर है सोनी फिजिक्स। और इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा? इस चैनल पर आपको आईआईटी जेम फिजिक्स की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट कंप्लीट कर ली है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चल रही है कंटिन्यूस में, और मैकेनिक्स भी चल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की लाइव वीडियो होती है ना, और कितने बजे होती है? शाम को 5:10 पर होती है। और मैकेनिक्स की रिकॉर्डेड मिलती हैं, और वो कब मिलती हैं? सुबह है ना, 9 बजे। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट है तो प्लेलिस्ट देख लें, सोनी फिजिक्स अकेडमी के नाम से चैनल है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो अभी मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, और मैकेनिक्स में जो टॉपिक चल रहा है, एक सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो चुका है और एक चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्सी। और मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स अपन निकाल रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारी बातें अपन करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज जो अपन काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लेट। तो एक ट्राइंगुलर प्लेट है, फिगर यहाँ नहीं बनाएंगे, तो ट्राइंगुलर प्लेट है, एक मिनट, एक ट्राइंगुलर प्लेट है जिसका मास कैपिटल एम है, इसकी चार डेंसिटी सॉरी मास डेंसिटी इसकी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और इसकी जो साइड है ना, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, इसकी जो साइड है वो ए है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, मास एम है, और इसकी जो मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। यहाँ मिड मिड में एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से यहाँ पे एक एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई है, और बाकी जो एक एक्सिस बची और गई जेड, ठीक है। तो मुझे इस लेमिना का, लेमिना बोल सकते हैं इसको, तो इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को सीखना, आराम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, इसका मास क्या है, डीएम है, जिसकी लेंथ डीएक्स है और विड्थ जो है वो डीवाई है, देन एरिया ऑफ दिस एलिमेंट इज डीएक्स डी, इसका जो एरिया है वो क्या है, डीएक्स डीवाई, ठीक है। अब इस एलिमेंट की यहां से जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई है, और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू, सुन लेना, किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो मैंने डी आई एक्स एक्स प्राइम लिखा है यहाँ पे, बराबर डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे वाई है, देन वाई स्क्वायर, ओके, समझ गए। अब मुझे पूरे लेमिना का लिखना है, तो पूरे लेमिना का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो डी एम इंटू वाई स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझको डी एम पुट करना है, तो डी एम क्या होगा, देखो, तो डी एम इज इक्वल टू एम अपॉन लेमिना का एरिया, ये जो लेमिना है इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है रूट 3/4 a² इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया यही बनेगा, अपन निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, हाफ इंटू दिस हाइट है ना, इंटू दिस हाइट, दिस लेंथ, तो हाफ इंटू दिस हाइट इंटू दिस लेंथ, देन यही आएगा, ठीक, इंटू डी एक्स। तो पहली वीडियो देखें, मास निकालना सीखें, देन पुट कर दो, तो आई एक्स एक्स प्राइम बराबर इंटीग्रेशन एम अपॉन 4m √3 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है।
आई एक्स एक्स प्राइम बराबर 4m अपॉन रूट 3 ठीक है, ये यहाँ पे है। हाँ भाई, अब इंटीग्रेशन y स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखनी है अपन को x और y की, तो i x x प्राइम बराबर रूट सॉरी 4m अपॉन रूट 3 ए स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा लिमिट का जरूर केयर करें, कि यहाँ पे जो x और y हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं, और कैसे कर लिमिट देखना, देख लो हाँ भाई, x की लिमिट जो जानी है वो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू जानी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अब मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ, वो ध्यान सुन लो, जब भी लिमिट देखे हैं दूसरे की है ना, एक एक की पता चल गई तुमको दिस लिमिट, दूसरे की लिमिट मुझे y की देखनी है, तो मैं देखता हूँ x की एक पर्टिकुलर वैल्यू मतलब कि x के इस मान तक, तो x के इस मान तक या x के इस मान पर मैं एलिमेंट को मूव कराता हूं, तो एलिमेंट बस यहां तक आता है, यहां से एलिमेंट यहां, ऐसे ही x के इस मान पर एलिमेंट यहां तक आता है। लिमिट जब हम देखते हैं तो एलिमेंट को तो मूव कराते हैं, मैंने सिखाया है, लिमिट जब देखते हैं तो एलिमेंट को मूव कराते हैं, और मूव करा के देखते हैं वो कहां से कहां तक जा रहा है ठीक है। तो x के इस मान पर ये एलिमेंट यहां तक गया, x के इस मान पर ये एलिमेंट यहां तक गया, x के इस मान पर ये एलिमेंट यहां तक गया, x के इस मान यहां तक गया, x के इस मान पर यहां तक गया, x के इस मान पर यहां तक गया, x के इस मान पर यहां तक गया, x के समान पर यहां तक गया, x के ठीक है, मतलब y का जो मान है x के हर मान पर अलग अलग ठीक है। तो x के इस मान पर जैसे इसको पकड़ता हूं तो y यहां तक जा रहा है, यहां तक इस पॉइंट तक, जो a या जो भी ये लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है रूट रूट थ्री ए बाई टू, तो रूट थ्री ए बाई टू तक y नहीं जा रहा है, जीरो से दिस तक, यहां तक x की इस वैल्यू पर y जो है जीरो से इस वैल्यू तक जा रहा है, जीरो से रूट थ्री ए बाई टू तक नहीं जा रहा, ये लेंथ रूट थ्री ए बाई टू है तो रूट थ्री ए बाई टू तक नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ पे लिमिट y की जो है वो जीरो से रूट थ्री ए बाई टू नहीं आनी है ना, जीरो से रूट थ्री बाई टू नहीं आनी। दूसरी मैं जो एक बात कहने वाला हूँ, जैसे देखो ये एक रिंग है ठीक है ना, रिंग में आपने किया है ऐसा, यहाँ एक एलिमेंट है, चलो मैं डिस्क लेता हूँ उससे अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो एक चीज फिक्स हो जाएगी। तो डिस्क में अपन ने एक एलिमेंट ऐसे लिया था, ये लेंथ आर थी, ये थीटा एंगल था, तो थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जीरो से कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर तक स्मॉल आर जा रहा था, और हर थीटा की वैल्यू पर, थीटा की हर वैल्यू पर स्मॉल आर की लिमिट जीरो से कैपिटल आर ही जा रही थी, इसका मतलब वहां पे कैपिटल आर की लिमिट फिक्स है जीरो से कैपिटल आर, और आर की हर वैल्यू पर थीटा जीरो से टू पाई जा रहा है ना। मैं एक जब भी लिमिट देखता हूं तो एक बात माइंड में रखता हूं कि एलिमेंट मूव कराने से बूढ़ी बॉडी कवर करनी है ना, तो यहां मैं एलिमेंट को जब मूव करा रहा हूं तो एक किसी थीटा पर मैंने यहां से यहां तक ले गया इसको, यहां से लेके यहां तक ले गया ठीक है, ये हिस्सा कवर हो गया, फिर अगले थीटा पर ले गया यहां से यहां तक, अगला हिस्सा कवर हो गया, अगले थीटा पर फिर अगला हिस्सा, तो ऐसे हर थीटा पर मैं जीरो से आर ले जा रहा हूं, हर थीटा पर जीरो से आर ले जा रहा हूं, तो देखो थीटा ही मूव करता जा रहा है, आर ही मूव कर रहा हूं, और ये पूरी बॉडी भी कवर हो रही है, लिमिट देखने का ये तरीका होता है। तो पूरी बॉडी कवर करता हूं और थीटा की वैल्यू को देखता हूं, आर की वैल्यू देखता हूं, मैं देख रहा हूँ थीटा की हर वैल्यू पर स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर तक जा रहा है, आर की हर वैल्यू पर थीटा जो है वो जीरो से टू पाई जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे हर एक्स की हर वैल्यू पर वाई जो है वो जीरो से रूट थ्री ए वाई टू नहीं जा रहा है, देन वाई की लिमिट जीरो से रूट थ्री ए वाई टू नहीं आएगी, बिल्कुल ध्यान रखना।
ठीक है, बच्चे करके खड़े हो जाते हैं कि एक्स की वैल्यू तो माइनस ए वाई टू से प्लस ए वाई टू और वाई की जो है गई। ठीक है, ऐसा नहीं कर। ओके, समझ गए। अब यहाँ पे सॉल्व करें इसको। तो अच्छा, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, यहाँ पे वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, उसके लिए मुझे इसकी इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। और ये लेंथ कितनी है, रूट थ्री ए वाई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हुए, जीरो और रूट थ्री ए वाई टू। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए ए वाई टू और जीरो। देन मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी, तो वाई माइनस वाई वन, इसको मैं वाई वन बोल रहा हूँ, बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू यहाँ से देखो, ए वाई टू से ए वाई टू कट गया, तो माइनस रूट थ्री एक्स माइनस ए। ठीक, ये y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे y की जो लिमिट जानी है ना, वो क्या जानी है, पहले मैं वाई स्क्वायर को ही सल्टाऊंगा, तो वाई स्क्वायर डी वाई और जीरो से माइनस रूट थ्री, माइनस को मैं अंदर लेता हूँ, रूट थ्री और ए वाई टू, देन फिर उसके बाद में पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से लिख देता हूँ। तो फोर एम अपॉन थ्री ए स्क्वायर, डब्बा बंद, डब्बा बंद तो बाद में कर लेना, इंटीग्रेशन जीरो से अभी रहने दो इसको, डब्बा बंद, इंटीग्रेशन जीरो से रूट थ्री ए वाई टू माइनस एक्स, है ना, और वाई स्क्वायर डी वाई, डब्बा बंद, अब डी एक्स, ये बन गया। ओके, अब इसमें पुट करो, तो एक्स की लिमिट भी रखनी है, तो आई एक्स एक्स प्राइम बराबर फोर एम अपॉन थ्री ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन थ्री, वाई क्यूब अपॉन थ्री, तो यहाँ रूट है वाई क्यूब अपॉन, तो वन बाई थ्री, तो ये आना है वहाँ पे, इसका थ्री आना, इसको तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो वाई क्यूब अपॉन थ्री, तो वाई क्यूब, तो वाई क्यूब क्या है, रूट थ्री है यहाँ पर, रूट थ्री की पावर थ्री और ए वाई टू माइनस एक्स की पावर। ठीक है, तो वाई क्यूब अपॉन थ्री, तो थ्री तो यहाँ ले लिया मैंने, और वाई क्यूब की जगह ये लिमिट रखी, फिर ये लिमिट ये चली गई और ये, तो ये बन गया थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री से थ्री रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया फोर एम अपॉन ए स्क्वायर। अब इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस ए वाई टू से ए वाई टू माइनस एक्स की पावर क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये ओड फंक्शन सा लग रहा है फंक्शन, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, फोर, तो यहाँ पे ओड फंक्शन है तो हो जाएगा एट एम अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और जीरो से ए वाई टू और ए वाई टू माइनस एक्स की पावर क्यूब आई एक्स एक्स प्राइम बराबर एट एम अपॉन ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन ए वाई टू माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, है ना, और माइनस और आएगा और जीरो से, तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स प्राइम बराबर माइनस टू एम अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया, और ये हो जाएगा जीरो माइनस ए अपॉन टू का, ठीक, ये हो जाएगा माइनस टू एम, माइनस माइनस तो प्लस होना, और ए स्क्वायर इंटू ए फोर अपॉन सोलह, दो दिन चार दिन आठ दिन सोलह, हो जाएगा एम ए स्क्वायर वाई लैमिना का। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस दिस, अब यदि मुझे एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, बस इसी तरह इंटीग्रेट करो, है ना, उसको सॉल्व करो। ओके, तो एक्स को पहले सुल्टाना उसमें और फिर वाई के लिए, ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी तुमको, तो लिमिट रखना, तो सेम यही आएगा एम ए स्क्वायर बाई एट।
एम स्क्वायर बाई ए टी आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं सेम नहीं आएगा, एम ए स्क्वायर बाई 24 आएगा, 24। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका आएगा एम ए स्क्वायर बाई 24, ठीक है ना। देन अब इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये तो एक सरफेस है, टू डायमेंशन प्लेन है, टू डायमेंशन है सॉरी। देन अपन यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में पता है, इसके रेस्पेक्ट में पता है, देन इसके रेस्पेक्ट में पता कर लेंगे, तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसको सॉल्व करना है तुम्हें, यहाँ पे एक्स को पहले सल्टाना, मतलब पहले एक्स का करना देन वाई का करना, आ जाएगा ठीक है। तो लेमिना का हो गया, तो याद रखें इनको, मैं इसलिए करा रहा हूँ, एक तो प्रैक्टिस हो जाए है ना, और थोड़ा सा लिमिट का भी यहाँ पे ध्यान रखना, तो प्रैक्टिस हो जाए और याद भी रखें डायरेक्ट कि लेमिना का कितना होता है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट, ठीक है। ओके चलो, अब मैं नेक्स्ट जो लेता हूँ, क्यूब का सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक गड़बड़ होती है, बस उसी को ध्यान रखो और कुछ नहीं। ठीक, यहाँ पे एक सॉलिड क्यूब है, बड़ा सा फिगर बनाया मैंने, ये ठीक, यहाँ इसका सेंटर है, थोड़ा सा ये वाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि थ्री डायमेंशन में फिगर है, और ये मतलब इसके पैरेलल एक्स, ओके। तो मुझे किसी भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट, क्योंकि तीनों एक्सिस एक ही बात है, तो किसी भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसकी साइड ए है, मास इसका एम है, और मास डेंसिटी जो है इसकी कॉन्स्टेंट, ये ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट लूंगा, तो एलिमेंट यहाँ पे मैं जब लूंगा, थोड़ा सा देखें मैं किस तरह एलिमेंट ले रहा हूँ, जनरल बच्चे गलती करते हैं, जो वो मैं नहीं करूंगा। ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो एक्स वाई प्लेन है, तो ऊपर गया है ना, कितनी डिस्टेंस, जेड डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट क्यूब टाइप का ही ले लिया, क्योंकि सॉलिड क्यूब है, इसलिए मतलब एक्स वाई प्लेन से ऊपर, लेकिन एक्स वाई प्लेन से ऊपर लेकिन इस डायरेक्शन, मतलब इस थीटा पर, किसी पर्टिकुलर थीटा पर मैंने क्या कहते हैं कि एलिमेंट चूज किया। जनरली बच्चा क्या करता है, जब एलिमेंट लेता है तो इसको ऐसे समझता है कि वाई जेड प्लेन में, नहीं वाई जेड प्लेन में नहीं लेना, वाई जेड प्लेन में ले लोगे तो एक पर्टिकुलर काम करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस में लिया है, तो मैंने एट ए थीटा एंगल, मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो यदि मैं लिखना चाहूँ कि ये आर है, तो एक्स की वैल्यू है ना ये होगी और वाई की वैल्यू ये होगी है ना, तो एक्स बराबर तो आर कॉस थीटा आ जाएगा, वाई बराबर आर साइन थीटा आ जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, यदि मैं वैसी बात करूं इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट, तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा है, वाई बराबर आर साइन थीटा है, और जेड बराबर तो जेड है। और यदि तुम इसको जेड वाई प्लेन में ले लेते, देन एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाता, तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने का। तो यहाँ पे इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, तो डी आई जेड जेड डैश बराबर इसका मास जो भी है डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट विद जेड एक्सिस, तो विद जेड एक्सिस यही होगी आर, यही होगी सेम, ये भी तो आर ही है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या होगी, आर, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आर क्या है, थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया इसको, तो डी आई जेड जेड डैश बराबर डी एम इंटू आर, समझ गया ना मेरी बात को, वाई जेड प्लेन लेने से क्या गड़बड़ होती है, ठीक है। तो डी एम जो है यहाँ पे क्या है, डी एम बराबर मास कहाँ है, पूरे वॉल्यूम में, तो ए क्यू, और कॉन्स्टेंट है तो अपन ऐसा कर सकते हैं, डी एक्स डी वाई, ठीक है, एलिमेंट का वॉल्यूम डी एक्स डी वाई दीजिए, ओके। और आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, देख लो माफ फिगर में, तो आई जेड जेड प्राइम मतलब पूरे को इंटीग्रेट कर दो, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर, थोड़ा सा फास्ट करूंगा इसको, तो यहाँ पे डी एम, डी एम तो क्या है,
एम अपॉन दिस, तो एम अपॉन ए क्यूब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। तो जेड की लिमिट, अब जेड की लिमिट देखो यहाँ पे, यहाँ जीरो है, यहाँ ए बाई टू आनी है, यहाँ माइनस ए बाई टू आनी है। जेड की लिमिट तो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, तो जेड तो फ्री फर्स्ट क्लास है कि एक्स किसी वैल्यू पर चले जाओ, वाई किसी वैल्यू पर चले जाओ, जेड तो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू जाना, ठीक है ना। एक्स किसी वैल्यू के लिए एलिमेंट को जेड डायरेक्शन मूव कराएं तो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू जाए, तो जेड फ्री है, फर्स्ट क्लास है, है ना। ऐसे एक्स की किसी वैल्यू पर एलिमेंट को मूव कराएं तो वाई माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू जाए, किसी भी वैल्यू, शब्द भी याद कर, किसी भी वैल्यू, ऐसा पर्टिकुलर अगर नहीं हो जाए। और वाई की किसी वैल्यू पर, जैसे मैं समझाया था तुमको, है ना, रिंग में समझाया था और उसमें समझाया, और वाई किसी वैल्यू पर भी क्या कहते हैं, एक्स का मान जो है वो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू जाएगा। तो लिमिट तो वही आनी, अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो, है ना, तो सॉल्व करके इसका मान निकाल दो तो एम ए स्क्वायर बाई सिक्स आएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ बच्चे नाराज होते हैं। तो एम ए क्यूब, तो मैं पहले जेड को निकालता हूँ, तो जेड का तो ए हो जाएगा, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू ए, है ना, और तो ए हो जाएगा, तो ये मैंने ए स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एक बार तो ये करना मुझको, प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ए बाहर आना है ना, तो आई जेड जेड प्राइम बराबर एम अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बाहर आना ये, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, तो थ्री बाहर आना है ना। एक्स क्यूब की लिमिट क्या है, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू, है ना, तो एक्स क्यूब बाई थ्री ना, तो एक्स क्यूब की जगह पे माइनस ए बाई टू रखना और माइनस ए बाई टू रखना, तो ए क्यूब बाई एट और ए क्यूब बाई एट, ए क्यूब बाई फोर, ए क्यूब बाई फोर, ऐसे ही देन सेम इधर ए क्यूब बाई, ओके, देन सॉल्व कर दो, आई जेड जेड प्राइम बराबर, देखो ए फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एम ए स्क्वायर बाई ये बारह और ये बारह हाफ हाफ, ठीक है, तो ये एम ए स्क्वायर बाई सिक्स किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में यही आएगा, तो कंप्लीट, ठीक है ना, क्यूब का कंप्लीट हो गया, सॉलिड क्यूब का भी थोड़ा सा सीख है कि मैं किस तरह निकाल, इसलिए तो करा रहा हूं, नहीं तो इनको तो याद करना है डायरेक्ट तुमको, मैं क्यों करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड कोन का, सॉलिड कोन, ठीक है, तो सॉलिड कोन का अपन को निकालना, देख कोन माने शंकु होता है ना, हाँ, तो एक कोन है और मैंने उसको इस तरह रख दिया, ओहो डायग्राम यहाँ नहीं बनाएंगे, है ना, अपन यहाँ बनाएंगे, बड़ा बन गया, ये सॉलिड है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, हाइट जो है कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच कर लो, ठीक है, ये इसकी खुद की एक्सिस, और मुझे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मास एम है, मास डेंसिटी कांस्टेंट है बराबर, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना, इसकी खुद की जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट डिटरमाइन करना, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो यहाँ में मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ, ये एक्स, ये मेरा वाई और ये मेरा, और एक एलिमेंट यहाँ पे सॉलिड है ये, तो एक एलिमेंट में क्यूब टाइप का यहाँ पर ले लेता हूँ, क्यूब टाइप, और यहाँ पे मैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेने वाला हूँ वो मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेना चाहो तो तुम कार्टेशियन से कर सकते हो, मैं सिलेंड्रिकल से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो भाई साहब बैठे हैं एलिमेंट भाई साहब, है ना, इनकी जो पोजीशन है अपन क्या लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रो फाई और जेड तो लिखते हैं, तो मैं रो नहीं लिख रहा आज, आज आर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, आर फाई जेड मतलब रो फाई जेड। तो इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है
दिस एक्सिस ये आर रो होती है अपनी, रो होती है इसके, तो आर है, और एक्स एक्सिस से ये कितने एंगल पर है, फाई एंगल। थोड़ा सा ध्यान दें, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, फाई एंगल। ये तो होता है फाई एंगल एक्स एक्सिस के साथ होता है, वहां पे आर ने एक्स एक्सिस के साथ या रो ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना होता है वो फाई होता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे अपन आर मान रहे हैं। ओके क्लियर, तो ये इसकी पोजीशन है और ये कहाँ पे है, और ये जेड बराबर जेड हाइट पर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं समझा दिया तुमको कि फाई कहाँ पर और ये जो हाइट है। ओके देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सॉरी ऑफ दिस एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू जेड जेड प्राइम एक्सिस इज डी एम इन टू आर, ठीक है। क्वेश्चन के पूरा लिख दें, आई जेड जेड प्राइम पूरे कौन का, तो कौन का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिस, क्वेश्चन नंबर वन। अब डी एम क्या लिखे, डी एम बराबर एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है वन बाई थ्री पाई एक्स करें इन टू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट याद हो तो तुमको आर डी फाई डी सॉरी हाँ आर डी फाई डी आर ये होता है आर डी फाई डी आर और डी जेड, ठीक है ना, समझ गए। तो ये वॉल्यूम है किसका, उस एलिमेंट का इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आर डी फाई तो ये होती है, डी आर इधर चले जा और डी जेड ऊपर चले जा, आर डी फाई डी आर आगे और डी जेड ऊपर, क्यूब बन जाएगा, तो आर डी फाई डी आर डी जेड, ठीक है। तो ये मैं पुट कर देता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा के करूँगा हमने, आई जेड जेड प्राइम बराबर ये ऊपर ले गया थ्री एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंट्रीगेस, आर स्क्वायर ऑलरेडी है, आर यहाँ पे है, तो आर क्यूब डी फाई डी आर, डी फाई को कलेस काटो तो टू पाई हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट तो आर की किसी वैल्यू पर घुमाओगे, आर की किसी वैल्यू पर घुमाओगे और तुमको कौन पूरा करना है टू पाई जाना, जेड की किसी वैल्यू पर घुमाओगे तब भी जीरो से टू पाई जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे हो जाएगा सिक्स एम अपॉन आर, स्मॉल आर किसी वैल्यू पर घुमाओगे एलिमेंट को कौन पूरा करने के लिए, है ना, अरे यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी घुमाओगे, ठीक है, इतना ही तो सिक्स एम अपॉन ये हो गया आर क्यू डी आर। अब थोड़ा सा केयर कर, अब यहाँ पे आर की लिमिट और जेड की लिमिट देखनी है, तो आर के लिए आर की किसी वैल्यू पर, आर की किसी वैल्यू पर तो जेड जा रहा है ना, तो जो जेड जा रहा है वो यहां से, जैसे मान लो आर की इस वैल्यू पर तुम काम कर रहे हो तो जेड यहां से यहां तक जाएगा, आर की इस वैल्यू पर जेड यहां से यहां तक आएगा, जेड पूरा नहीं जा रहा है जीरो से एच, ऐसी जेड की किसी वैल्यू पर, जेड की किसी वैल्यू पर ये जो स्मॉल आर है, ये जो स्मॉल आर है वो यहां तक जाएगा। मेरा टारगेट क्या होता है, मैंने कैसे कहा था, मेरा टारगेट होता है कि पूरा ऑब्जेक्ट कवर होना चाहिए, तो मैं किसी एक जेड की वैल्यू पर देख रहा हूं कि आर फाई तो मैंने कंप्लीट कर लिया, आर यहां तक ही जा रहा है जो कैपिटल आर नहीं है, ऐसे आर की किसी वैल्यू पर जेड यहां से यहां तक जा रहा है जो कैपिटल एच स्मॉल एच नहीं है, इसका मतलब आर और जेड गड़बड़ करेंगे, तो फिर मुझे आर को जेड की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो देखो ध्यान से, ये मिटाता हूं यहां पे, क्या मैं देखना चाहता हूं कि जेड की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, क्योंकि आर की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर तो मेरे सामने दिक्कत हो रही है, हालांकि कर सकता हूं मैं कि आर की पर्टिकुलर वैल्यू पर जेड यहां से और यहां तक जा रहा है, तो मुझे यहां जेड पता करना पड़ेगा, यहां पे कितना है, देन इसकी इक्वेशन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, और यहां तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक बहुत अच्छा सा दिख रहा है कि जेड की पर्टिकुलर वैल्यू पर आर जीरो से यहां तक जा रहा है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो बड़ी आसानी से अल्फा मान लें, तो ये डिस्टेंस तो अपने बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये हो जाएगी कुछ आर बराबर जेड टेन एल, यहां तक जा रहा है जेड की किसी पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो आर की लिमिट लगाना आसान है, तो मैं जीरो से जेड टेन एल,
जेड लिमिट अभी नहीं लगाऊंगा है ना, बाद में लगाएंगे। तो ये हो गया 6m अपॉन आर स्क्वायर एच इन टू आर फोर अपॉन फोर, फोर मैंने ये बाहर कर, ठीक है। और ये हो गया इंट्रीगेशन। अच्छा टेन फोर एल्फा भी आएगा, और एल्फा तो देखो वहाँ पे कॉन्स्टेंट एलिमेंट घुमाने से कुछ नहीं हो रहा, टेन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एल्फा पर सॉरी एल्फा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एलिमेंट कितना ही मूव करा लो। तो टेन फोर एल्फा अपॉन फोर खत्म, जेड फोर अंदर आ जाएगा, जेड फोर और जीरो से। अब तो ये एच थ्री, ठीक है, खत्म करें इसका डा एच फाइव अपॉन फाइव। तो ये आ जाएगा आई जेड जेड प्राइम बराबर सिक्स एम अपॉन फोर आर स्क्वायर एच इंटू टेन फोर एल्फा इंटू एच फाइव अपॉन फाइव, एच फोर अपॉन फोर सॉरी जेड फाइव अपॉन फाइव। देन दिस टेन एल्फा का मान, अब मैं यहाँ देखूँ ये कैपिटल आर है ये एच है, तो टेन एल्फा का मान आर अपॉन एच आई जेड जेड प्राइम, देख लो यहाँ पे ये एच है ये आर है, ठीक है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स मेरे जैसी फास्ट तो होनी चाहिए, हालांकि गलती के चांस तो होते हैं, फिर भी फोर है यहाँ पे ना, फोर इंटू एच फाइव अपॉन, ठीक। तो देखो कट गया सब कुछ, तो थ्री बाई टेन एम आर एच फाइव नमस्ते आर नमस्ते, देख लो थ्री टू टेन ये आ गया आई जेड, ट्रेनिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लिमिट्स की थोड़ी सी मैं सिखाने की कोशिश की इस वीडियो में कि लिमिट को थोड़ा सा देखें, क्लियर है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो जो टफ वाले थे आज मैंने वो कंप्लीट कर लिए कि कौन का नहीं निकलता है ना, और कहते हैं ये, ठीक है, लेमिना का नहीं निकालता, ट्रायंगुलर लेमिना का, दूसरा उसका क्या कहते हैं क्यूब का नहीं निकाल पाते, तो मैंने तुमको सिखा दिया। अब एक चीज और लास्ट ना, उसमें तुम गलती कर सकते हो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं उसको। ये एक डिस्क है, ठीक है, और इसमें यहां पे एक होल है, मतलब तो यहां पे कोई मैटर नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। इसकी इनर रेडियस कैपिटल आर वन है और आउटर रेडियस कैपिटल आर टू है, और इस जगह का मास, जगह का मास जो है वो कैपिटल है, केवल इस जगह का। गौर करें हर बात, एक ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक डिस्क है का मास एम था, रेडियस आर टू थी, इसमें से एक काट दिया, ठीक है, डिस्क काट ली जिसकी रेडियस आर वन है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन अब बताओ इसका मास कैपिटल एम थोड़ी रहेगा, कुछ और होगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह भी सोचे, ये इसको कैसे करो, इसको कैसे करो, है ना, तो ये तो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा गड़बड़। ओके देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना तुमको, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट हमसे पूछा गया मान लो ए, मैं क्या करूंगा एक यहाँ पे रिंग कंसीडर करूंगा, ये समय मिटा देता हूँ, ये ध्यान रखना ये आर टू है और ये आर वन है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक रिंग कंसीडर करूंगा, ये मैंने रिंग कंसीडर, बस देखे ध्यान से, ठीक है, ये मैंने एक रिंग कंसीडर कर ली। इस रिंग की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, और इसकी जो क्या कहते हैं इसकी विड्थ, यहाँ पे जो विड्थ है रिंग की, ये रिंग है, देखो ये जो है रिंग दिखा देता हूँ तुमको, ये मैंने रिंग ली है, विड्थ मुझे लेनी पड़ेगी, बिना विड्थ के मैं यहाँ पे एलिमेंट एज्यूम नहीं कर सकता, कोई मतलब नहीं, करके देख लेना, ठीक है। तो इसकी विड्थ जो है वो खत्म, ठीक है, तो ये रिंग है, इसका मास डी एम है, रेडियस, तो
मैंने बताया था तुमको कि हम एलिमेंट ऐसा लेते हैं जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूरे ऑब्जेक्ट ज्ञात कर रहे हैं। इसका, इस रिंग का इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, जो उसके सेंटर से जाती है, और देखो रिंग के सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर, इसके रेस्पेक्ट में एक बार तुमको बताता हूँ। देखो एक रिंग है और ये एक्सिस है। अब देखो ये स्थिति और ये स्थिति सेम है ना, ये रिंग है और ये एक्सिस है, रेडियस इसकी आर है, मास इसका एम है, तो कितना होता है एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एम इंटू इस, ओके। तो आई ए प्राइम बराबर इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी एम की वैल्यू पुट कर दे तो डी एम की वैल्यू एम अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर, क्योंकि मास यही यही है, बोलो यही तो है, ये तो बाहर आ जाएगा बेचारा। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर एरिया ऑफ रिंग, सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, कौन सा एरिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया चित्र, एरिया मुझे रिंग का ये वाला लेना, मैं दोबारा बनाता हूँ। रिंग जो है मेरी तरह की है, ये है मेरी रिंग, यहाँ पे है मेरा मैटर, रिंग का मैटर, मैटर ऑफ रिंग, रिंग जो है मेरी आर रेडियस की है और डी आर विड्थ की है, तो मेरा मैटर जो है रिंग का वो यहाँ, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे इस वाले एरिया से कोई मतलब, ठीक है ना। तो मैं एरिया क्या लूंगा इसको बताओ, 2 पाई आर डी आर, तो खोलो पट्टी बना दो, तो पट्टी बनाओगे तो क्या बनेगी, ये 2 पाई आर लेंथ तो इसकी हो जाएगी और ये 2 पाई आर, है ना। देखने में ऐसा लग रहा हल्का सा क्वेश्चन, पर ये गड़बड़ करते इसका आंसर देते सब, ध्यान दें मास कौन सा है ना, देन इसको पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो आई ए प्राइम बराबर क्या आएगा, एम अपॉन दिस, तो पाई से तो पाई गया है ना, 2 आ जाएगा, 2 एम अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब और डी आर और आर वन से आर टू, यानी हो जाएगा एम अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि भाई 4 आना, और आर टू 4 माइनस आर 1 एम आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर प्लस में, सॉरी, तो सॉल्व कर लो, ठीक है, होल स्क्वायर है, अरे कर दे सकते हैं, ए माइनस बी होल फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, उसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ओके चलो, अब मान लो ऐसे होता, मिटा रहा हूँ, फुल मिटाने के बाद पूछते हो, हाँ भाई, अब मान लो ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता ये डिस्क थी, मास एम था, रेडियस आर टू थी, उड़ा दी रेडियस आर वन की, ऐसा मान, ठीक है ऐसा नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रेडियस 2 आर थी, उड़ा दी आर रेडियस की डिस्क के समय, देन डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस, कुछ नहीं है, बहुत आसान, ठीक है। अभी मैंने एक दिन कल जो वीडियो डाली थी उसमें से कहा था, यहाँ पे 4 स्पेयर लिए थे मैंने, लिए थे ना, और मैंने कहा था कि इसके सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन कीजिए, तो तुमने क्या कॉन्सेप्ट बोला, इसका निकाल लो इसके रेस्पेक्ट में, इसका निकाल लो इसके रेस्पेक्ट में, इसका निकाल लो इसके रेस्पेक्ट में, इसका निकाल लो, चारों को जोड़ दो, चारों को जोड़ दो, टोटल मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाए। तो ऐसे ही मैं कुछ क्यों ना सोचूं कि यहाँ जो हटी जो भागा भाग गई है ना, डिस्क जो भाग गई, इसका मास हो कुछ होगा मुझे नहीं पता, पूरे का मास कैपिटल एम है, ये तो पूरे पूरी जो डिस्क थी उसका मास कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्क थी जिसका मास एम प्राइम है, ठीक है ना, तो उस एम प्राइम है, ठीक है, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू दैट एक्सिस आई वन मान लेता हूँ, और जो ये बच गया इसका मैं इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट आई टू मान लेता हूँ, तो दोनों को मिलाऊंगा तो पूरी का आ जाएगा ना, बोलो पूरी डिस्क का आ जाएगा, पूरी डिस्क आएगा, जो 2 आर रेडियस की डिस्क थी जिसका मास एम था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, कितना, हाफ
एम इंटू बार, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ मास और रेडियस के। ठीक है, ये तो पूरी का था। अब ये जो काटी है, जो भगाई है, उसका कितना है, हाफ इसका मास, मुझे नहीं पता इसका मास कितना, इंटू इसकी रेडियस के स्क्वायर। और बाकी जो बचा हिस्सा तो मुझे पता करना, तो मैं ये कह रहा हूं इसका ये है, इस हिस्से का ये है, दोनों का टोटल ये होना चाहिए पूरे सिस्टम का, उसी कॉन्सेप्ट है ना। तो आई टू क्या आना चाहिए, आई टू आना चाहिए आई माइनस आई हाफ एम फोर आर स्क्वायर, है ना। तो टू एम आर स्क्वायर माइनस हाफ एम प्राइम आर स्क्वायर। एम प्राइम कितना, अब इसका एम प्राइम देखो। यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि भैया जब ये पूरी डिस्क थी तो उसका मास एम था, पूरी डिस्क थी तो उसका मास एम था, यही तो था कॉन्सेप्ट सी का ध्यान। तो पूरी डिस्क का जो मास था उसके एरिया में ही तो था, तो पाई इंटू, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है, पाई इंटू इतने एरिया का मास इतना, पाई इंटू इतने एरिया का मास इतना था। ठीक है, भाई साहब कितना हो गया, 4 पाई आर। तो मुझे चाहिए आर का, आर रेडियस का इंटू छोटी वाली का, तो एम प्राइम बराबर आ जाएगा एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर एम बाई फोर। तो यहाँ पे आ जाएगा एम बाई फोर 2m इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/2 एम बाई फोर। यानी ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर तो बाहर 1/8, 8 2 रहेगा 16 माइनस 1 15/8। ठीक है, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देख लो कितना अंतर है। ओके ठीक है, तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, उसके बाद मैं सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे जाऊंगा परसों, कल और कराऊंगा एक बार। ठीक है, नमस्ते, कल मिलते हैं।